हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं अंडे की बहुत ही अलग और बहुत ही आसान एक रेसिपी, जो आप घर पे बस 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसको बना सकते हो। और इसको खाने में जो स्वाद आपको महसूस होगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, इस रेसिपी को अगर आप YouTube के अंदर ढूंढ भी लोगे तो इस रेसिपी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं कर लूँगी अंडे को बॉयल, जिसके लिए मैंने पैन के अंदर पानी चढ़ा दिया है और उसके अंदर मैं यहाँ पर दे रही हूँ 5 अंडे। मैं यहाँ पे 5 अंडे के साथ ये रेसिपी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें करना होगा अंडे को बॉयल। अंडे को बहुत ही ज़्यादा हार्ड बॉयल हमें नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्ट बॉयल यानी कि हाफ बॉयल भी नहीं करना है, एकदम फुल बॉयल भी नहीं करना है, मीडियम हमें रखना है इसको। तो आप देख सकते हैं ये अंडे के ऊपर थोड़ा सा क्रैक आ चुका है, इसका मतलब हमारे जो अंडे हैं वो बॉयल हो चुका है। अभी हम एक काम करेंगे, अभी हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस गर्म पानी के अंदर ही हम अंडे को रख देंगे 5 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को कीजिए। अब हम कर लेंगे ग्रेवी। इसके लिए हमें कढ़ाई के अंदर चढ़ा दिया है पैन और उसके अंदर हमने दे दिया है मस्टर्ड ऑयल। तेल गर्म होने तक हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो चलिए, तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं बैंगन। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। आपको बैंगन को ऐसे ही कट करना है और बैंगन को अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप बैंगन के अंदर अभी हमें देना होगा थोड़ा सा नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हल्दी आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे हल्दी नहीं दे रही हूँ। तो अभी हम ये जो बैंगन है उसको हल्के से फ्राई कर लेंगे। तो चलिए पहले बैंगन को फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए, बैंगन भी फ्राई करना हो चुका है। तो इस बैंगन को अभी हम कढ़ाई से उठा लेंगे और अभी हम कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप को। तो ये जो तेल है इसके अंदर हम थोड़ा सा और तेल डाल देंगे और तेल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे एकदम पतला पतला कटा हुआ प्याज यानी कि अनियन यानी कि कांदा। तो इस कांदे को यानी प्याज को हम अच्छे से अभी फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसको लाइट फ्राई करना है, बहुत ही ज़्यादा डीप फ्राई हमें नहीं करना है। अभी फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दे देंगे चॉप्ड गार्लिक। 3 से 4 कलियां आपको गार्लिक की देना होगा। अगर आप चाहो तो गार्लिक नहीं भी दे सकते हो, बट मेरे मानो मैं आपको सजेस्ट करूंगी गार्लिक को बिल्कुल देना। तो चलिए, गार्लिक के साथ हम अभी अनियन को फिर से फ्राई कर लेंगे। अभी हम एक काम करेंगे, अभी 3 से 4 जो हमारी फ्राइड बैंगन की पीस हम इसके अंदर दे देंगे। इसको देने की एक ही मकसद है कि अनियन के साथ ये बैंगन की जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से घुल मिल जाता है और ये जो हमारी ग्रेवी बनता है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा थिकनेस बनता है ग्रेवी के अंदर और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। पूरे बैंगन के देने की कोई ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 पीसेस आपको इसमें देना है। अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं थोड़ा सा मटर। मटर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, बट अगर आप ये विंटर के सीजन में बना रहे हो तो आपको मटर बिल्कुल मिल जाएगा मार्केट में, तो मटर बिल्कुल दे देना। अभी हमें इसके अंदर दे दिया है हल्दी पाउडर और नमक। नमक यहाँ पे देना होगा बिल्कुल स्वाद अनुसार। अभी हम इसके अंदर दे दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके साथ इसको अच्छे से अभी आपको मिलाना है। तो चलिए इसको अच्छे से मिलाते हैं। अभी हम इसके अंदर दे देंगे दही। ये जो दही है ये घर का बनाया हुआ दही है, इसके अंदर पानी का पोर्शन बहुत ही ज्यादा कम है, यहाँ पे है 60 ग्राम दही। तो इसके साथ अच्छे से दही को आपको मिलाना होगा। तो चलिए मिला लेते हैं। हम दे देंगे इस रेसिपी का एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, वो है काशुंदी यानी कि मास्टर सॉस। ये मास्टर सॉस आपको बिल्कुल देना होगा। इसके अंदर दे देंगे थोड़ा सा केचप। इसके साथ अभी सबको अच्छे से मिलाना होगा। इस काशुंदी यानी कि मास्टर सॉस को देने से इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो एकदम अलग हो जाएगा। तो चलिए, हमारे ये मिलाना बिल्कुल हो चुका है। अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और दे रहे हैं थोड़ा सा हरा मटर। तो चलिए, आपको अच्छे से अभी इसको मिलाना है और इसको अच्छे से जल्दी से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद अभी हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे।
तो चलिए अभी हम करते हैं जो अंडे है उसको हम बीचों बीच से ऐसे ही हाफ कट कर लिया है और इसको अच्छे से हम ये मसाले के अंदर प्लेस कर देंगे और अच्छे से इसको मिला लेंगे फिर से। अंडा जितना टाइम तक मसाले से अच्छे से भुनेगा उतना ही इसका स्वाद और भी खिलकर आएगा। तो चलिए मसाले के साथ अंडे को अच्छे से भूनते रहिए। तो चलिए अभी हम इसके अंदर दे देते हैं फ्रेश धनिया। हरा धनिया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है और अभी हम अच्छे से फिर से इसको मिला रहे हैं। और अंडे के लिए ध्यान एक बात की, अंडे इतना भी हार्ड बॉयल नहीं करना है। हार्ड बॉयल करने से आपका जो मसाला है वो अंदर नहीं जाएगा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉयल करने से आपका अंडे टूट जाएगा। तो चलिए अभी हम इसके अंदर दे दिया है हाफ कटोरी पानी और फिर से अभी मसाले के साथ पानी के साथ और अंडे को ध्यान से रखते हुए आपको मिलाना है। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लीजिए। आप देख सकते हैं पानी बहुत सूख चुका है और हमारे जो अंडे हैं बिल्कुल तैयार भी हो चुका है। अभी हम इसके अंदर दे देंगे थोड़ा सा कटा हुआ शिमला मिर्च और इसके अंदर जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे यानी कि एग प्लांट, वो हम ये ग्रेवी के अंदर प्लेस कर देंगे और अच्छे से हल्के से थोड़ा सा मिला लेंगे। अभी हम इसके अंदर दे रहे हैं ग्रीन चिली और ग्रीन चिली देने के बाद इसको अच्छे से मिला लूंगी और हमारी इस रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इसको हम सर्व कर लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ। तो लीजिए भाई, हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल है तैयार। इसको आप घर पे बिल्कुल ट्राई करना और हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।